प्रदेश का वित्तीय बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को भी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय ये बैठक आयोजित हुई और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के संबंध में सुझाव के लिए विभिन्न एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और इस दौरान संवाद कार्यक्रम में मंत्री लालचंद कटारिया, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, मंत्री शाले मोहम्मद, बीडी कल्ला, रमेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और सीएस डीबी गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बात अगर दूसरे सत्र की करें तो बैठक के दूसरे सत्र में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश भर के किसानों, पशुपालकों और डेयरी प्रतिनिधियों से भी बजट के संबंध में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 150 गांवों को विकसित किया जाएगा और युवाओं को नशे से बचाना यहां पर प्राथमिकता रहेगी। पानी के संरक्षण को आगे बढ़ाना होगा, ऐसा कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दिव्यांगों के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में काउंसलर लगाए जाने का भी सुझाव यहां पर रखा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में सहयोग देने वाले भामाशाहों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 150 गांवों को यहां पर, आपको बता दें कि युवाओं को नशे से बचाना प्राथमिकता रहेगा और पानी के संरक्षण को आगे बढ़ाना भी प्राथमिकता रहेगा। आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार कानून के तहत पट्टे दिए जाएं, संभाग स्तर पर हैबिटेट सेंटर खोलने का भी यहां पर सुझाव दिया गया। सरकारी स्कूलों में काउंसलर लगाए जाने का भी इस बैठक में सुझाव दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में सहयोग देने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता रहे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।